आप तो चलते हैं आज की वीडियो टाइटल है कश्मीरी पंडित्स वॉर पाकिस्तान ओवर। तो जी देखते हैं पहले वीडियो बाद में, साजिद ताड़ साहब है और शुएब की ये वीडियो है, पहले देखते हैं वीडियो फिर देते हैं इस पर एक्शन। सर आपने नवाज शरीफ साहब की बात की, इसके अलावा पीटीआई इमरान खान साहब की पार्टी के भी बहुत से लोग ये कहते नजर आए और बड़े बड़े कॉन्फिडेंस के साथ असेंबली में ये कहते नजर आए कि फिर देखा नहीं हमने वो 26/11 में क्या कर दिया, फिर देखा नहीं हमने वो रजौड़ी हमने वो मतलब वो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली ये कहते नजर आए हैं, ये नहीं बोला कि हमने वो किया या हमने किया, मतलब ये शो करवाते नजर आए कि भाई हम इन चीजों में इन्वॉल्व थे। भारत गया और उस होटल का ट्रिप कराया गया हमें बिलखसूस, क्योंकि मेरा लीगल बैकग्राउंड है और मेरे साथ कुछ जजेस थे, अमेरिकन जजेस थे, तो हमें ताज होटल का ट्रिप दिया गया जिस तरीके से, और एक्सप्लेन किया गया कि यहाँ पे किस तरह सारा वाकया हुआ था। और उसके बाद हमारा लंच था वहां उस वक्त वहां की हाई कोर्ट का, और हमें उस कमरे में भी ले जाया गया जहां पे अजमल कसाब को फांसी थी। एक बहुत धब्बा है ये पाकिस्तान और भारत के रिलेशनशिप पे जिसका साफ होना बहुत जरूरी है। इसमें 10 वो देखिए अल्टीमेटली रिगार्डलेस हाउ इट इज वो 10 लोग जो थे थे पाकिस्तानी, तो दैट मेक्स यू कंसर्न, दैट मेक्स यू रेलिवेंट, दैट मेक्स यू लायबल टू एक्सप्लेन कि वो कहां से गए, क्यों गए, किसने फंड किया, उनका ऑपरेटर कौन था पीछे से। मैं उसकी वो वीडियो कॉल्स भी सुनता रहा जो पीछे से ऑपरेटर जो है उसको जब कहता रहा कि लै हूं तू जन्नत के नेड़े आ गया, हूं तू अगला स्टेप चोइस। अब इतना सिस्टम उनका सोफिस्टिकेटेड है, मैं अभी खुद मैंने आपको बताया था मैं भारत जा रहा हूँ, मैं कई दफा पहले गया हूँ, मेरे पास उनका बिजनेस वीजा रहा है, मैं डेलीगेशंस के साथ कई दफा गया हूँ, लेकिन उनका सिस्टम इतना सोफिस्टिकेटेड है, इतनी चीज मैं सोच नहीं सकता। आई एम जस्ट गोइंग थ्रू द प्रोसेस राइट नाउ। लेकिन ऑन द दूसरी साइड अगर आप देखें, आपने अभी रिसेंटली अपने 12,000 पासपोर्ट जो अफगानियों को बेचे, आजकल आपके पासपोर्ट बनने के लिए आपके पास पेपर ही मौजूद नहीं है। तो मैं भारत के साथ कंपेयर करना मैं समझता हूँ ज्यादती है, आपके लिए ज्यादती है, भारत के लिए क्या ज्यादती होनी है। जो मैंने ऑब्जर्व किया है 26/11 इंसिडेंट हुआ, उसके बाद से पाकिस्तान और इंडिया के खासतौर पे वीजा की अगर बात करें, यहां से जो वहां पे लोग जा सकते थे काफी ज्यादा स्ट्रिक्टनेस हुई, काफी ज्यादा सख्ती हुई। कि आपकी 2000 मस्जिदें चाइना में जो शहीद हुई हैं उनके बारे में आप बिल्कुल बात ही नहीं करते। आप अब यहां पे ये जो आप वाक्य कर मैं इसको साथ सपोर्टिंग आर्गुमेंट ये 1947 में पाकिस्तान के अंदर 21% हिंदू मौजूद थे, आज आपके पास 1% हिंदू मौजूद है। रोहिंग्या मुसलमानों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते आप, पता नहीं आपको उनके शायद रंग डार्क है इसलिए आपको वो पसंद नहीं है, हालांकि वो 1 मिलियन से ज्यादा दुनिया में जलीलो ख्वार हो रहे हैं, 9 लाख से ज्यादा तो सिर्फ बांग्लादेश में पड़े हैं, आप उनका बिल्कुल बात ही नहीं करते। आप उनकी आप चाइना में मस्जिदें आप वो गिरा रहे हैं, आप बिल्कुल उनका जिक्र ही नहीं करते। आप सब आप देखें आपने किस मुल्क के साथ हाथ नहीं किया, अब अगर देखा जाए आप मैं कहता हूं सारे मुल्कों की लिस्ट सामने रख लें, आपने किस मुल्क के साथ धोखा नहीं किया। आप आइसोलेशन की एंड पे आ चुके हैं, आपने जब चाइना को नहीं बख्शा रिसेंटली, अब चाइना का हर चीज आपने बंद कर दी, वो बेजार है आपसे, वो आप टोटल इस वक्त IMF के कैंप में, आप टोटल इस वक्त अमेरिकन कैंप में है, आप टोटली बिल्कुल को अबैंडन कर दिया, लेकिन किस खूबसूरती के साथ आप अब जब आपका IMF का अमेरिका का गेट बंद हो गया तो CPAC शुरू कर देंगे। कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने पिछले दिनों या अमेरिका के दौरे पर आए थे एशिया सोसाइटी में, उन्होंने खड़े होकर कहा था कि हिंदू मजहब शुरू पाकिस्तान से। ऐसा जी बिल्कुल जी। तो दोस्तों मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। सबसे पहले आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया कि आप मेरे काम को पसंद करते हैं, लेकिन अगर किसी ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। आज की वीडियो 26/11 इंसिडेंट के हवाले से स्पेशल वीडियो होने वाली है, इन डिटेल इसके ऊपर हम बात करेंगे, पाकिस्तान का उसमें क्या रोल था, पाकिस्तान की कौन सी ऑर्गेनाइजेशन उसमें इन्वॉल्व थी या नहीं थी। अजमल कसाब की अगर बात करें, एक साइड पे पूरा पाकिस्तान का मीडिया ये कहता नजर आया कि भाई हमारा कोई भी इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है, और दूसरी साइड पे पाकिस्तान के जर्नलिस्ट ही अजमल के साहब के घर भी पहुंचे और जाके सारी रियलिटी भी दिखाई। साथ ही साथ एक बड़ी अफसोसनाक खबर है, और वैसे तो ऐसी खबर पाकिस्तान से हमें आए दिन सुनने को मिलती रहती है, कभी सिंध से कभी बलूचिस्तान से, तो भी कश्मीर शरदा पीत टेम्पल के हवाले से ये खबर आई है कि डिमोलिश किया गया है और उसकी वीडियोस भी वायरल की जा रही हैं, वायरल हो रही हैं। इसके ऊपर बात करने के लिए साजिद ताड़ साहब मौजूद हैं, और मैं ये समझता हूं कि 26/11 इंसिडेंट को जितना क्लियरली ये डिफाइन कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं हिस्ट्री के बारे में, खासतौर पर इंडो पाक की हिस्ट्री के बारे में जितना ये नॉलेज रखते हैं, मेरे ख्याल से बहुत बेहतरीन आज की ये वीडियो होने वाली है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, थैंक यू फॉर हैविंग मी। सर आपका बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम दिया। सर 26/11 मतलब
हर साल ये डिस्कस होता है, बल्कि अगर इंडिया की बात करें, भारत में तो हर दिन ही शायद ये डिस्कस होता होगा, जिन लोगों की जाने गई उनकी फैमिलीज, और वो तो डेली बेस पे इसे डिस्कस करती होंगी। और इस इंसिडेंट को लेके एक अमन की आशा जो लोग मतलब ये कि कोशिश करते हैं, बहुत से लोग हैं जो चाहते हैं रिलेशन बेहतर हो, जब 26/11 जैसा इंसिडेंट सामने आता है, इसके अलावा और बहुत से इंसिडेंट हैं जो इंडिया में हुए वो सामने आते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं ये कहा जाता है कि भाई अमन की आशा किस काम की या किस नाम की। आप पहले इन चीजों के ऊपर तो कंट्रोल करो, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के ऊपर कंट्रोल करो। सर, ये 26/11 को अगर आपसे कहा जाए कि इसे जरा एक्सप्लेन करें, पाकिस्तान का इसमें क्या रोल है, था नहीं था, क्या कहना चाहेंगे? डॉक्टर साहब, इसका मैं एक तो फर्स्ट हैंड मैं इसका 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 आई विटनेस समझ लें कि जब ये वाकया हुआ तो यहाँ पे लाइव जो है वो टीवी के ऊपर चल रहा था, किस तरीके से वहां पे एक कयामत मुंबई के अंदर गुजरी उस वक्त। यहाँ पे मैं ये बताना चाहूंगा कि चोई साहब, दुनिया में जहां भी कोई बदोशा बंदा जिसका कोई कसूर ना हो किसी चीज का, उसकी जान, मैं तो उसकी फीलिंग्स के बारे में भी मैं कहता हूं कि उसको नहीं हर्ट करना चाहिए, जान उसकी लेना, तो मैं समझता हूं कि इट विल बी अ वर्स्ट अ ट्रेजेडी ऑन द प्लेनेट। मैं इस पे मैं जितना भी अफसोस किया जाए कम, मैं बल्कि कई दफा रोया उस वक्त जब उन लोगों को, बदोशे लोगों को मारा गया रेलवे स्टेशन पे, चाहे ओपन शूटिंग की गई या जिस तरीके से उस होटल को घेर कर फिर वहां पे जो जुल्मों सितम किया गया, मैं समझ, इसको इस्लामिक नहीं होना चाहिए, इसको इस्लामिक रंग, इसको ये नहीं, इसको इसको ये कहना चाहिए कि यार ये देवर सर्विंग पाकिस्तान और देवर सर्विंग इस्लाम और ये क्या था सारा कुछ। अब मैं इसमें एक बात ऐड भी ये करना चाहूंगा कि इसी एनिवर्सरी के ऊपर अभी ने LET को, लश्कर तैयबा को दहशत तंजीम करार दिया है अभी रिसेंटली, ये कुछ दिन पहले। अब इस पे आगे मैं चलना चाहूंगा कि मैं एक अमेरिकन डेलीगेशन के साथ भारत गया और उस होटल का ट्रिप कराया गया हमें, बिलखसूस क्योंकि मेरा लीगल बैकग्राउंड है और मेरे साथ कुछ जजेस थे, अमेरिकन जजेस थे, तो हमें ताज होटल का ट्रिप दिया गया जिस तरीके से, और एक्सप्लेन किया गया कि यहाँ पे वो किस तरह सारा वाकया हुआ था। और उसके बाद हमारा लंच था वहां उस वक्त वहां की हाई कोर्ट का, और हमें उस कमरे में भी ले जाया गया जहां पे अजमल कसाब को फांसी थी। ये मेरी फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन थी, लेकिन मैं कहूंगा इसको जितना भी कंडेम किया जाए वो कम है। जिस तरीके से 166 फैमिलियां तबाह हुई, रिगार्डलेस उनका जो भी रिलीजन बिलीफ था, उनके बच्चे, उनकी उनकी माओं के बच्चे मारे गए, मैं समझता हूं कि इसको याद रखना चाहिए, इसको इसको क्लैरिफाई करना चाहिए। और मैं समझता हूं कि पाकिस्तान भारत रिलेशनशिप के दरमियान एक सबसे बड़ी हर्डल या समझी जाए तो वो यही है, जब तक दोनों तरफ से इस चीज को क्लियर ना किया जाए। यहाँ पे मैं ये मैं क्योंकि मेरी कोई इंफॉर्मेशन फर्स्ट हैंड नहीं है कि मैं ये कहूं कि इसमें कौन कसूरवार है, लेकिन एक चीज जरूर कोट करना चाहूंगा, हमारे आने वाले वजीर आजम नवाज शरीफ साहब ने इसके बारे में कई दफा कंट्रोवर्सियल स्टेटमेंट्स दी हैं ऐसा ही है। जो कि इस चीज को कंफ्यूज करती हैं, और जब तक उनको क्लैरिफाई ना किया जाए यू यू कैनॉट मूव फॉरवर्ड। एक बहुत धब्बा है ये पाकिस्तान और भारत के रिलेशनशिप पे जिसका साफ होना बहुत जरूरी है। इसमें 10, वो देखिए अल्टीमेटली रिगार्डलेस हाउ इट इज, वो 10 लोग जो थे वो थे पाकिस्तानी, तो दैट मेक्स यू कंसर्न, दैट मेक यू रेलिवेंट, दैट मेक्स यू लायबल टू एक्सप्लेन कि वो कहां से गए, क्यों गए, किसने फंड किया, उस उनका ऑपरेटर कौन था पीछे से। मैं उसकी वो वीडियो कॉल्स भी सुनता रहा जो पीछे से ऑपरेटर जो है उसको जब कहता रहा है कि लै हूं तू जन्नत के नेड़े आ गया, हूं तू अगला अगला स्टेचू। मैं समझता हूं कि मेरे लिए इस वाकये के बारे में बात करना भी तकलीफ दे छोड़ सा, मैं क्योंकि मैंने उस सारे वाकये को होता देखा है, और मैं जिस तरह मैंने कहा है कि मेरी नजर में दुनिया का हर शख्स जो है वो एक कीमती शख्स है, वो एक कीमती इंसान है, बिल्कुल किसी का बेटा है, किसी का भाई है, किसी का बाप है, किसी का हस्बैंड है, उसको इस तरीके से मारना और बकरों, अब मैं कहता हूं कोई उनका कसूर नहीं, बेचारे सुबह उठ के काम करने गए हुए थे और वापस आए तो ये मेरे। और उसके बाद मैं पुलिस वालों को मैंने देखा है जिस तरीके से उन्होंने अपनी जानें दी है, मैं माई हैट ऑफ टू देम एट द सेम टाइम, लेकिन एक वन ऑफ द ह्यूमन ट्रेजेडी द मुंबई वाज अ ह्यूमन ट्रेजेडी। इस पे जितना भी अफसोस किया जाए कम है, मैं समझता हूँ कि दिस इज, और मैं यहाँ पे वंस अगेन चोर सब ये कहूंगा, दुनिया का कोई भी मजहब आपको इजाजत नहीं देता कि आप किसी दूसरे को हर्ट करके आप जन्नत या दोजख या कोई रिवार्ड आपको मिलेगा।
इट्स नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल। हाँ, अगर आपने उसमें अपनी अपनी मर्जी की चेंजेस कर ली हैं तो फिर उसके बारे में तो दुनिया का हर मजहब जो है वो पॉलिटिकली हमेशा अब्यूज हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। उसपे क्रिश्चियनिटी अब्यूज हुई है, हर दुनिया का मजहब जो है वो अब्यूज हुआ है, लेकिन मैं नहीं समझता कि इसको इस्लामिक रंग देना या किसी को कहना कि मैंने ये काम करके मैं जन्नत में जा रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, ये दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग टीचिंग और प्रीचिंग। इफ समबडी इज डूइंग इट, दे आर डूइंग फॉर देयर ओन इंटरेस्ट, दे आर नॉट सर्विंग इस्लाम एट ऑल। ठीक है सर, आपने नवाज शरीफ साहब की बात की, इसके अलावा पीटीआई इमरान खान साहब की पार्टी के भी बहुत से लोग ये कहते नजर आए हैं और बड़े बड़े कॉन्फिडेंस के साथ असेंबली में ये कहते नजर आए हैं कि फिर देखा नहीं हमने वो 26/11 में क्या कर दिया, फिर देखा नहीं हमने वो रजौड़ी अटैक, हमने वो मतलब वो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली ये कहते नजर आए हैं, ये नहीं बोला कि हमने वो किया या हमने किया, हाँ मतलब ये शो करवाते नजर आए कि भाई हम इन चीजों में इन्वॉल्व थे या हो सकते हैं। सर क्या समझते हैं, एक बड़ी बड़ा पॉइंट जो मैंने नोट किया है, जो मैंने ऑब्जर्व किया है, 26/11 इंसिडेंट हुआ, उसके बाद से पाकिस्तान और इंडिया के खासतौर पे वीजा की अगर बात करें, यहां से जो वहां पे लोग जा सकते थे काफी ज्यादा स्ट्रिक्टनेस हुई, काफी ज्यादा सख्ती हुई। अभी वर्ल्ड कप में भी रिसेंटली जो वर्ल्ड कप हुआ उसमें भी पाकिस्तान की तरफ से ये कहा जा रहा था कि देखें जी हमें वहां पे वीजा नहीं दिया गया, देखें जी इंडिया की कैसी मेजबानी है। कहीं ना कहीं मैं ये समझता हूँ कि देखें उन्होंने अपने कंट्री के लिए सोचना है, तो उनकी ये पॉलिसीज बेहतर नहीं है कि उधर उन्होंने अपनी जो वो अटैक हुआ, जो वहां पे मिसहैप हुआ, उसे सीखा, अपनी पॉलिसीज को स्ट्रांग किया, अपने कंट्री को महफूज किया। हमारे यहाँ पे हर दूसरे दिन अटैक होता है, हम तो कंट्रोल नहीं कर पा रहे, हर दूसरे दिन, हर तीसरे दिन, हर चौथे दिन अटैक होता है। चोई साहब, इतना सिस्टम उनका सोफिस्टिकेटेड है, मैं अभी खुद, मैंने आपको बताया था मैं भारत जा रहा हूँ, मैं कई दफा पहले गया हूँ, मेरे पास उनका बिजनेस वीजा रहा है, मैं डेलीगेशंस के साथ कई दफा गया हूँ, लेकिन उनका सिस्टम इतना सोफिस्टिकेटेड है, इतनी चीज मैं सोच नहीं सकता, आई एम जस्ट गोइंग थ्रू द प्रोसेस राइट नाउ। लेकिन ऑन द दूसरी साइड अगर आप देखें, आपने अभी रिसेंटली अपने 12,000 पासपोर्ट जो अफगानियों को बेचे, आजकल आपके पासपोर्ट बनने के लिए आपके पास पेपर ही मौजूद नहीं है। तो मैं भारत के साथ कंपेयर करना, मैं समझता हूँ ज्यादती है, आपके लिए ज्यादती है, भारत के लिए क्या ज्यादती होनी है, लेकिन ये कि काश आप भी कुछ सीखें दुनिया से। लेकिन दर हकीकत वजह ये है कि चोई साहब, हम 76 साल से, हमारा अभी तक, मैं अभी तक, मेरा मतलब मुझे कोई रिलीफ नजर नहीं आ रही कि आने वाले दिनों में आपको बेहतरी की तरफ जा रहे हैं या आपको कुछ बेहतर किया। अभी तक किसी ने मुझे ये नहीं बताया कि आप कौन सी चीज यहां से बना के एक्सपोर्ट करेंगे, आप किस तरीके से अगले आने वाली जनरेशन को एजुकेट करेंगे, आप किस तरीके से पाकिस्तान को अपलिफ्ट करेंगे, किस तरीके से दहशतगर्दी को खत्म करेंगे। लेकिन हाँ, एक बात आपको मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ, काकड़ साहब यूएई जा रहे हैं, ये बहुत बड़ी खुशखबरी आपके लिए, आईएमएफ के पैसे आ चुके हैं और वो यूएई जा रहे हैं, ये आपके लिए खुशखबरी है। दूसरी तरफ बात यह है कि 73 साल के जो मोदी साहब हैं वो तेजा पे चढ़ रहे हैं, हमारे काकड़ साहब गए दुबई, यूएई जा रहे हैं। लेकिन बस मैं इस पे, इससे मजीद क्या कहूं आपको, जब कोई साहब आप वहां उस मुल्क में बैठे हैं जहां पे महंगाई 42% है। ठीक है सर, आपने यूएई की बात की तो इधर मैं ये कहना चाहूंगा, खबर के मुताबिक सऊदीया ने पाकिस्तान के साथ ऑयल रिफाइनरी डील जो है वो भी कैंसिल की है, खबरें आ रही हैं। क्या समझते हैं मतलब अब वो इस्लामिक कंट्रीज हो या कोई भी ऐसे कंट्रीज हो जो कभी पास्ट में हमारे बहुत क्लोज रहे हैं और हमें बड़ा मान, हमें बड़ा फख्र रहा है कि भाई सऊदीया हमारे बैक पे है, यूएई हमारे बैक पे है, तुर्की हमारे बैक पे है, तो वो भी हमसे अब थोड़ा किनारा करते नजर आ रहे हैं, मुझे जो फील हो रहा है। तो साहब आप देखें, आपने किस मुल्क के साथ हाथ नहीं किया, अब अगर देखा जाए, आप, मैं कहता हूं सारे मुल्कों की लिस्ट सामने रख लें, आपने किस मुल्क के साथ धोखा नहीं किया, आप आइसोलेशन की एंड पे आ चुके हैं, आपने जब चाइना को नहीं बख्शा रिसेंटली, अब चाइना का हर चीज आपने बंद कर दी, वो बेजार है आपसे, वो आप टोटल इस वक्त आईएमएफ के कैंप में, आप टोटल इस वक्त अमेरिकन कैंप में है, आप टोटली बिल्कुल को अबैंडन कर दिया, लेकिन किस खूबसूरती के साथ आप, अब जब आपका आईएमएफ का अमरीका का गेट बंद हो गया तो सीएपैक शुरू कर देंगे, सीपैक बंद करना होगा तो इधर आ जाएंगे। देखिए शब्बर जैदी साहब जो आके एफपीआर के चेयरमैन है, उन्होंने हफ्ता पहले कहा है कि आपके रूलिंग एलीट के $200 बिलियन के फॉरेन एसेट्स जो हैं वो बाहर के मुल्कों में पड़े हैं। वो क्या ख्याल है, वो ऐसे ही बन गए वहां, आपने बड़ी मेहनत की है, 76 साल मेहनत की है, आधा दुबई आपने खरीद लिया है, आधा टोरंटो खरीद लिया है आपने, लंदन तो है ही आपका वहां पर, लेकिन ये देखिए ना, बड़ी मेहनत की है आपने 76 साल से, $200 बिलियन बहुत बड़ी रकम होती थी। ये चोर से
ठीक है सर, अभी खबर आई थी जो हमने इंट्रो में भी डिस्कस भी किया कि शारदा पीठ की अगर बात करें, बहुत ही हिस्टोरिकल वो टेंपल है, और वो मैं अभी वीडियो देख रहा था, खबर के मुताबिक ये है कि उसे डिमोलिश किया गया है, उसकी जो बाउंड्री वॉल है उसको जो उनसे हटा दिया गया है, क्या समझते हैं? और इसके अलावा सिंध से भी खबर आ रही है, और कुछ टाइम पहले 4 माह पहले कराची में भी मंदिर डिमोलिश किया गया, ये आए दिन हमें खबरें सुनने को मिलती हैं। वैसे हम रोते हैं कि पूरी दुनिया में मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, हमें हमें थकते नहीं है कहते हुए कि फलस्तीन में देखो, बर्मा में देखो, कश्मीर में देखो, पता नहीं कहाँ कहाँ देखो, अपने घर में जो माइनॉरिटीज हैं, और ये मैं ये समझता हूँ ये हमारी बिल्डिंग्स हैं, ये हमारे टेम्पल्स हैं, ये हमारे लिए फख्र होना चाहिए कि हमारे पास इतने हिस्टोरिकल प्लेस मौजूद है। और अगर शारदा पीठ की बात करें, वो तो यूनिवर्सिटी भी किसी दौर में हुआ करती थी, खबरों मतलब जो मैंने सुना है, जो मैंने थोड़ा पढ़ा है, तो क्या कहेंगे आप इसके हवाले से, आप तक ये खबर पहुंची? मैं जो सब इसके बारे में बिल्कुल मुझे खबर। देखिए, दो मुख्तलिफ मुख्तलिफ वाकयात हुए हैं। हिंगलाज मंदिर जो सिंध थरपारकर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो हुआ है, और उसके बाद दूसरा वाकया जो है वो LOC कश्मीर में जो हुआ है, जो कि यूनेस्को की साइट थी। और उसके बाद मेरा क्वेश्चन ये होगा कि बाबरी मस्जिद की बात करें तो आपके आपके मस्जिद के अंदर हर जुमे वाले दिन हर मौलवी जो है खुतबे में सारा कुछ ये पढ़ता है कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। हालांकि मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए अर्ज करूं, मैं जब सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री पढ़ता हूं तो मुगलों ने बहुत ज्यादा मंदिरों को डिमालिश करके वहां पे मस्जिदें बनाई थी, इसमें कोई शक नहीं। और दूसरा चौथा मैं ये पूछना चाहूंगा आपसे कि आपकी 2000 मस्जिदें चाइना में जो शहीद हुई हैं उनके बारे में आप बिल्कुल बात ही नहीं करते। आप अब यहां पे मैं ये जो आप वाक्य कर, मैं इसको साथ सपोर्टिंग आर्गूमेंट ये 1947 में पाकिस्तान के अंदर 21% हिंदू मौजूद थे, आज आपके पास 1% हिंदू मौजूद। तो आप कहाँ जाना चाहते हैं? अब वो बिल्डिंग यूनेस्को की थी जो कश्मीर के LOC के ऊपर पास थी, जिसको आपने जिसकी बाउंड्री डिमालिश की है। और आपको पता है कि दूसरा मैं यहाँ पे ये अर्ज जरूर करना चाहूंगा कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने पिछले दिनों या अमेरिका के दौरे पर आए थे, एशिया सोसाइटी में उन्होंने खड़े होकर कहा था कि हिंदू मजहब शुरू पाकिस्तान से। ऐसा ही जी, बिल्कुल ऐसा ही है। तो जब हिंदू मजहब पाकिस्तान से शुरू हुआ है तो आप उनके हिंदुओं का मंदिर भी एक सेफ नहीं रख सकते यहाँ पे? ऐसा ही है। ये कैसी दुनिया है आपकी? और दूसरा मैं आपको ये बताना चाहूंगा चौधरी साहब, मैं रिसेंटली पढ़ रहा था टेक्सला के बारे में, टेक्सला के बारे में मैं रिसेंटली पढ़ रहा हूं, चंद्रया डायनेस्टी के बारे में, और दूसरा मैं अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ रहा हूं। और किस तरीके से आपने इतना बड़ा नॉलेज समुंदर आपने सिर्फ अबेंडन कर दिया है। आप कहते हैं कि इसके अंदर हिंदू मजहब की ठाप आती है, आपने नॉलेज को लर्न करना से रिफ्यूज कर दिया आपने। मैं शॉक्ड हूं, मैं जब वो पढ़ रहा था अर्थशास्त्र, वो एक बहुत बड़ा फिलासफर है मैकियावेली, फ्लोरेंस इटली से, उसने किताब लिखी थी प्रिंस, उससे 1300 साल पहले उस चणक्या ने किताब लिखी थी बिल्कुल अर्थशास्त्र 1300 साल पहले। लेकिन आप रिफ्यूज, तालीम को भी आप तालीम के बाद नॉलेज के बारे में भी आप प्रेजिडिस हैं, आप रेसिस्ट हैं। हाउ और डेयर वैसे यू तो डू हम फॉरेन कंट्रीज में जाते हैं तो क्या वहां पे हमें सारे मौलाना हजरत पढ़ाते हैं? क्या दैट? वहां पे हमें सारे नहीं कारी सर सब रहना, पढ़ाते ना ना हैं? मैं यही अर्ज करना चाह रहा, रहना आप लंदन चाहते हैं जो कि क्रिश्चियन कंट्री है यूके, आप रहना अमेरिका चाहते हैं जो एक क्रिश्चियन कंट्री है, और पाकिस्तान में आप नारे लगाते हैं नहीं जी टेक्सला जो है वो हिंदू है। मैम वहां आप उनसे आप वहां जाके आप बिल्कुल आपका दूसरा अब दूसरी साइड कर लेते हैं। लेकिन उसमें चौसा मैं खासकर एक चीज जो अर्ज करना चाह रहा था वो ये थी कि आपको ये सख्त जात है आपकी सोचों का। आप रोहिंग्या मुसलमानों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते, आप पता नहीं आपको उनके शायद रंग डार्क है इसलिए आपको वो पसंद नहीं है, हालांकि वो 1 मिलियन से ज्यादा दुनिया में जलीलो ख्वार हो रहे हैं, 9 लाख से ज्यादा तो सिर्फ बांग्लादेश में पड़े हैं, आप उनका बिल्कुल बात ही नहीं करते। आप उनकी आप चाइना में मस्जिदें आप वो गिरा रहे हैं, आप बिल्कुल उनका जिक्र ही नहीं करते आप। लेकिन आप जब मेरा मकसद ये ज्यादती है कि आपके अपने स्टैंडर्ड जो है वो डबल स्टैंडर्ड है। लेकिन जरा ख्याल रखना चाहिए कि इबादत गाह जो होती है उसमें लोगों के सेंटीमेंट्स होते हैं, उनकी डेफिनेटली इज्जत करनी चाहिए। बल्कि यहां पे मैं अर्ज करना चाहूंगा, अगर इस्लामिक लॉ आपने किसी ने पढ़ा हो गलती से तो उसमें ये है कि जंग के हालते जंग में भी किसी की इबादत गाह को डैमेज करने का आपको से मना किया गया है, किसी ग्रीन दरख्त को काटने से मना किया गया है, बच्चों बुजुर्गों औरतों पर हाथ उठाने से मना किया गया है। लेकिन आप पता नहीं फिर आप किस किस्म के इस्लाम को प्रैक्टिस करते हैं, कौन से मजहब को क्या देखते हैं। लेकिन मैं इसको ज्यादती समझूंगा, बिल्कुल कंडेम करूंगा इस चीज को, लेकिन अगर आप ये कर रहे हैं तो फिर जहनी तौर पर तैयार रहें, दूसरी साइड पे जब होगा तो फिर आपको तकलीफ ज्यादा होगी। ठीक है। और सर आपने ये बोला कि भाई हालत जंग की हालत में भी ऐसा कुछ करना लीगल नहीं है, ये हमारा मजहब कहता है, और दूसरी साइड पे
हम ऐसे मौलाना हजरात को जानते हैं या ऐसे मजहबी लोगों को जानते हैं जो ये कहते हैं कि हम इस्लाम का झंडा उधर लाल किले में या पता नहीं कहाँ, मतलब वो ये समझते हैं कि भाई कोई मंदिर को डिमोलिश करके वहां पे इस्लाम का झंडा लहरा देने से कोई बड़ा नाम हो जाएगा या बड़ा समझ लें कि हम इस्लाम की या मजहब की हिम्मत करेंगे, ऐसा कंसेप्ट भी पाकिस्तान में, ऐसा माइंडसेट भी मौजूद है। सर दूसरी साइड पे इसी मंदिर के हवाले से, शारदा पीठ के हवाले से, जो इंडिया साइड कश्मीरी पंडित हैं उन पंडितों ने ये ऐलान किया है, मैं ये वीडियो उनकी देख रहा था, उन्होंने बोला है कि भाई हम ये ना हो गया हमें बॉर्डर क्रॉस करना पड़े क्योंकि ये हमारे रिलीजियस सेंटिमेंट की बात है तो हम इसके ऊपर बर्दाश्त नहीं करेंगे। पाकिस्तान गवर्नमेंट को सीधा सीधा उन्होंने वार्न किया है प्रॉपर वीडियो रिकॉर्ड करके कि भाई हमें ऐसा ना हो के बॉर्डर क्रॉस करना पड़े। जी मैंने बिल्कुल वो वीडियो देखी जिसमें उन्होंने हिंदुस्तान टाइम्स में वो उनकी वीडियो थी जिसमें उन्होंने पेपर फाड़े हैं और उन्होंने कहा कि ऑफ कोर्स दे आर इट्स अ टची सब्जेक्ट। आप जिस तरह आपके मस्जिद जब कोई होती है शहीद बॉर्डर से दूसरी साइड पे, आप खुद क्या करते हैं? बल्कि अब कोई मस्जिद शहीद होती है, अभी तक आपने दो तीन शहर जला देने थे अपने आप अपने पाकिस्तान इवन के अंदर ही, तो उनका उसके भी ऊपर जहन है अभी आपका कोई उनके उसके सेंटिमेंट्स। ऊपर कोई प्रॉपर खबर भी ना आती, सिर्फ ऐसे कोई सोशल मीडिया पे कोई फोटो देख लेते या कुछ इस तरीके से देख लेते तो हमने यहाँ पे वावेला उठा देना था कि भाई ये हो गया, गलत हो गया ये। यहाँ पे तो प्रॉपर हमारे वीडियोज आ रही है कि भाई जहाँ जो उनके साथ सिचुएशन हुई है। बिल्कुल डेफिनेटली, और मैं समझता हूँ इसको कंडेम करना चाहिए और इस पर पाकिस्तानी गवर्नमेंट को इसका रिस्पॉन्ड देना चाहिए इसको डेफिनेटली। अब आप आई हम्बली रिक्वेस्ट देम टू डू इट, क्योंकि ज्यादती है और उनका मजहबी जगह थी। और मैं यहाँ पे यह एक और भी बात बताना चाहूंगा चोई साहब, आप तो इस मंदिर की बात कर रहे हैं, मैं एक और खबर पढ़ रहा था, टेक्सला यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सला जो कि एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है, दुनिया की ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है, आपका लैंड माफिया तो उस पर कब्जा करके कॉलोनी बनाना चाहता है गिरा के उसको। तो देखिए ये पाकिस्तान में पता नहीं प्लाटों के पीछे और पैसे के पीछे आप पता नहीं क्या क्या कर जाते हैं। आपके वो मलिक रियाज साहब आजकल दुबई बैठे हैं, वो एक नया को इंटरव्यू दे रहे हैं, कोई और चीज आपका इस वक्त तो सारा मिर्चे मसालों के अलावा तो कोई चीज चल ही नहीं रही। जिस तरह वो भी वो खातून ने आजरा बीबी की किताब निकली है वेयर द ओपियम ग्रोज, और उसके बाद वो खावर मानिका साहब है, सारी इस ऑल वल्गैरिटी, इस ऑल जिस तरह से पता नहीं क्यों आप सारा, मुझे तो कंफ्यूज, दिस इज व्हाट द स्टैंडर्ड्स आर पाकिस्तान के अंदर, अब यही स्टैंडर्ड्स रह चुके हैं कि किसकी बीवी किसके साथ भाग रही है, किसका किसके साथ रिलेशनशिप है, ये क्या है इससे आगे? अब व्हाई जी डोंट यू, और इससे आगे क्यों नहीं बढ़ रहे आप उनको इस्लाम के बारे में, क्या ये इस्लामिक सारी चीजें जो खावर मानिका साहब ने अगले दिन वो जज कुदरतुल्ला साहब को इस्लामाबाद में जो उन्होंने एप्लीकेशन लिखी थी, क्या वो इस्लामी है सारा कुछ? उधर नहीं आप जाते, ठीक है। आप उसके उन ऊपर जगह पे बात आपका भी स्टैंडर्ड उसके को और है। ऊपर सर बात भी की जाए तो ये कहा जाता है कि भाई ये प्रोपोगंडा किया जा रहा है, ये किसी की पर्सनल लाइफ को डिस्कस किया जा रहा है, जबकि मुर्शद मैं ये समझता हूँ यानी कि किसी के पर्सनल मजहब को डिस्कस कर लेना आपके लिए आम हाँ बात है, डिस्कस करना क्या डिमोलिश करना आम बात है, लेकिन पर्सनल लाइफ को जी कोई डिस्कस नहीं कर सकता। खैर इसके ऊपर भी हम सर बात करेंगे, लेकिन मुझे साजिद साहब पर्सनली ऐसा लगता है कि पाकिस्तान को लेकर इंटरनेशनल कम्युनिटी का इंटरेस्ट खत्म होता जा रहा है, वो मतलब अपना अपना किनारा कर रहे हैं, इंडिया के लोग भी इंटरेस्ट वो उस तरीके से शो नहीं करते, वो अगर देखते भी हैं वो कहते हैं कि भाई हम तो इंटरटेनमेंट के तौर पे देखते हैं कि चलो थोड़ी देर देख लेते हैं। कभी एक दौर था जब कहा जाता था पाकिस्तान भी पूरी दुनिया में एक पावर के तौर पर उभर रहा है, या चलो पावर नहीं भी है, एक नाम था पाकिस्तान का, पाकिस्तान की स्टेटमेंट की वैल्यू होती थी। आज के दौर में इंटरनेशनल लेवल हो या नेबर कंट्रीज हो, मजाक के तौर पर हमें देखा जा रहा है। आप इस बात से एग्री करते हैं? मैं समझता हूँ, कभी भारत के अंदर पाकिस्तानी ड्रामे बड़े मशहूर थे और आज भी बड़े मशहूर है, क्योंकि पाकिस्तान पूरे ड्रामा बन गया। अब वो आपके आपके सारी जिंदगी आपके हालात देखते हैं तो सारा ये ड्रामा ही है ना। देखा जाए तो जिस तरीके से मेरा मकसद है, करप्शन है, तमाशे हैं, जो जो मारा मारी चल रही है, ये भी तो एक ड्रामा है। पहले वरना मेरी यूथ थी, जब जवान था मैं, जब यहाँ पाकिस्तान से यहाँ आया था, उस वक्त हमारे भारत के अंदर हमारे ड्रामे बहुत पॉपुलर थे, लोग वीडियो उनके रिकॉर्ड कर करके देखते थे। लेकिन अफसोस के साथ है कि आज हमारे पास कुछ भी नहीं है, कोई अच्छी खबर नहीं है, अंधेरा ही अंधेरा है, 24/7 जो बातें की जाएं, जुल्म और खौफ है। और अब इस वक्त सबसे बड़ी बात यह है, मैंने अगले दिन मलिक रियाज साहब के हवाले से बात कर रहा था कि उनके इंटरव्यू में क्या नई चीज होगी, करप्शन की बताएंगे ना, फलां जज करप्ट था, फलां बंदा करप्ट था, इस पर तो नई बात है ही नहीं, हमने तो उसको एक्सेप्ट कर लिया अब जहनी तौर पर। बल्कि मैंने आपको कई दफा कहा कि हालात इतने खराब हो चुके हैं, मॉरली हम इतने बैंकक्रप्ट हो चुके हैं, अब शरीफ आदमी को तो लड़की का रिश्ता कौन ही देता पाकिस्तान में, ऐसा ही है सर। बिल्कुल। तो उसमें करप्शन की किसी की स्टोरी बताना कि मैंने फिर फिलहाल देखा है वहां पला बंदा बगैर कपड़ों के खड़ा है, वो देखो उसका ये कर, ये दिस इज डजंट मेक इट डजंट एक्साइट यू एनी मोर, यही ज्यादती है। मैं समझता हूँ कि हमने बिल्कुल
ज़हनी पस्तियां जो है उसके उसकी हमने वी हैव टच द पीक ऑफ इट, मेरा ज्यादती है जो समय ज्यादती समय। लेकिन फिर भी सर मैं ये समझता हूँ कि एज ए पाकिस्तानी, मेरी एज ए पाकिस्तानी आपकी ये जिम्मेदारी है कि जहां तक हमसे पॉसिबल है हम आवाज उठाते रहे। नो डाउट बहुत से एलिगेशन हम पे भी लगते हैं, बहुत सा मुश्किल वक्त हम पे भी आता है, शायद आपको भी ये चीजें फेस करनी पड़ती हो। और इवन मैं तो ये साजिद तारण साहब के हवाले से, मैं रिसेंटली एक इंटरव्यू देख रहा था, पाकिस्तान का एक बड़ा चैनल है, बड़े एंकर हैं जो कि US में जाके इनका इंटरव्यू कर रहे थे, और ओपनली इन्होंने तब भी इंडिया को अप्रिशिएट किया, इंडिया की पॉलिसीज को अप्रिशिएट किया है। यहां से एक चीज मुझे, मैं इनके हवाले से ये कहना चाहूंगा कि अक्सर पाकिस्तान के जर्नलिस्ट हों या पाकिस्तान के यूट्यूबर हों, सोशल एक्टिविस्ट हों, जब वो यूट्यूब पे आते हैं इंडिया की तारीफ करते हैं, लेकिन जब मेन स्ट्रीम मीडिया, पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पे जाते हैं तो इंडिया के अगेंस्ट बात करते हैं या फिर इंडिया के हवाले से बात करना ही पसंद नहीं करते। साजिद तारण साहब को मैं देख के बहुत हैरान हुआ कि वहां पे भी वो ओपनली कह रहे थे कि भाई इंडियन डायस्पोरा को देखो US में, कि कैसे वो अपना मुकाम बनाए हुए हैं, इंडिया की पॉलिसीज को देखो। मैं बड़ा हैरान हुआ सर आपका ये इंटरव्यू मैंने देखा कि जिस तरीके से ओपनली आप जो ये स्टेटमेंट यहाँ पे रखते हैं सोशल मीडिया पे, मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी आप वही स्टेटमेंट रखते हैं, उसके लिए आपको सलूट है। अदरवाइज बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने चैनल्स पे तारीफें करते हैं लेकिन जब वो मेन स्ट्रीम मीडिया पे जाते हैं तो वो कहते हैं भाई इंडिया की तो मैं बात ही नहीं करूंगा। तो ऐसा मेरी जो ख्वाहिश है, सबसे बड़ी ख्वाहिश ये है कि मेरे बच्चे, पाकिस्तानी बच्चे भारत से सीखें, उनकी तरक्की को सीखें, उनके सिर्फ ड्रामे ना देखें, उनकी सिर्फ मूवीज ना देखें, उनके सिद्धू मूसे वाले के सिर्फ गाने ना सुने, उनकी तरक्की भी देखें, उनसे देखें किस तरीके से उन्होंने पिछले 15-20 साल के अंदर अपनी कौम की किस्मत बदल के रख दी है। मैं ये चाहूंगा कि उनसे ट्रेड सीखें, उनके उनसे कंप्यूटर स्किल देखें। और सबसे बड़ी बात है, जब एक चीज नफरत में आप इतने आगे चले जाते हैं, आप दिमाग के दरवाजे बंद कर लेते हैं। मैं चाहता हूं आप हम उस फेज से आप निकलें, हम आगे जाएं, हम एक नया पाकिस्तान जो कि इमरान खान साहब ने ख्वाब तो बनाया था, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कोई ना कोई इंसान उसको अगले लेवल पर लेके जाए। इस तरह मैं हमेशा कह रहा था, आज भी कह रहा था कि कोई प्रोडक्ट ऐसी हो जो पाकिस्तान के अंदर बनाई जाए, जो शिनाख्त बने पाकिस्तान की, पाकिस्तान के बच्चों को पढ़ाने का सिलसिला किया जाए, जो बच्चे भाग भाग के यूरोप जा रहे हैं उनको रोक कर यही स्किल्स दी जाए, या उनको बाहर भी भेजा जाए तो पढ़ा लिखा कर स्किल्स दे के भेजी जाए, तरक्की के बारे में बात की जाए, करप्शन के बारे में बात ना की जाए। ऐसा ही है सर। सर लास्ट में अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे जो चेंजिंग्स आई हैं, जो डेवलपमेंट हुई हैं इस हफ्ते में, उसके ऊपर अगर आप अपना व्यू देना चाहें, अपनी ओपिनियन देना चाहें, खासतौर पे इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन को लेके, इसके अलावा जो कनाडा में इशू चल रहा है उसको लेके, इसके अलावा इसराइल के हवाले से, जो भी पूरे वर्ल्ड वाइड जो डेवलपमेंट है। डेफिनेटली चोर, सबसे पहले तो 4 दिन का गाजा के अंदर जो सीज फायर हुआ है उसमें जो हॉस्टेजेस हैं उनको रिलीज किया जा रहा है। इस वक्त अमेरिकन मीडिया सारा जो है वो उनके प्रोफाइल्स को बता रहा है कि और उसके बाद बताया जा रहा है एक उम्मीद की किरण जो है वो नई एक जागी है और इससे हो सकता है कि आगे मजीद अमन की तरफ जाया जाए। लेकिन दूसरी सबसे बड़ी खबर यह थी, मैं समझता हूं कि हमारे मुसलमान मुल्कों के सारे फॉरेन मिनिस्टर बीजिंग में इकट्ठे हुए, जो माजी के अंदर अमेरिका में कैंप डेविड में होते थे, अब वो बीजिंग में है और बीजिंग से निकलकर वो न्यू दिल्ली गए हैं। तो ये एक नया पावर शिफ्ट आ रहा है, वेस्ट से पावर अब ईस्ट में शिफ्ट हो रही है। दूसरा प्रूफ उसका ये है कि मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरेबिया ने चाइना के साथ अपनी करेंसी के अंदर जो डील करने में उन्होंने साइन कर लिया है, जो कि $7 बिलियन साथ का ट्रेड है। अमेरिका की करेंसी डॉलर को नुकसान पहुंचा है, लेकिन यहां पर किसी के माथे पर कोई बल नहीं है। यहां न्यूयॉर्क में एक वायरल टिकटॉक वीडियो आई जिसमें ओबामा के एक एडवाइजर जो स्टेट डिपार्टमेंट 99 से लेकर 2003 तक रहे, उनको 3 हाईएस्ट अवार्ड हासिल हैं, उन्होंने मुसलमान, इस्लाम और हमारे प्रॉफिट के खिलाफ बातें की, वो बहुत एक पॉपुलर था। दूसरा यहां पे मैं बताना चाहूंगा, उसामा बिन लादन का एक लेटर जो उन्होंने लिखा था आफ्टर 9/11, वो टिकटॉक के ऊपर बहुत ज्यादा चला, जो कि बहुत तश्वीशनाक है, लोग उसको पसंद कर रहे थे। मैं हैरान हूं कि हाउ अमेरिका के अंदर अब लोग अपना दे आर थिंकिंग डिफरेंटली। और मैं समझता हूं एक बहुत बड़ी खबर जो ये थी कि 73 साल के मोदी साहब ने तेजा जहाज पे चढ़कर एक नई जो मिसाल कायम की है। आखिरी चीज जो कहूंगा कि Tiger 3 ने 200 करोड़ का बिजनेस किया, रिमार्केबल बाय हैट ऑफ टू द लास्ट 2 न्यूज। सर बहुत शुक्रिया आपके कीमती टाइम का, और कोशिश करेंगे फिर से आपको कुछ 2-3 दिन बाद आपसे रिक्वेस्ट करें कि जो भी लेटेस्ट डेवलपमेंट है उसके ऊपर हम बात करें। देखने वाले से कहूंगा कि आपको साजिद तारड़ साहब की 9/11 के हवाले से जो डिस्कशन थी वो कैसी लगी, कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ ओवरऑल जो सी आज की डिबेट रही, आज की डिस्कशन रही, उसके ऊपर आप क्या ओपिनियन रखते हैं कमेंट में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफ। तो जी दोस्तों, वीडियो भी खत्म। बड़े पॉइंट्स के सामने आए, साजे ताड़ ने तो आज आंखें खोल दी। उन्होंने कहा कि जो हमने विजिट किया था, मेरे साथ लीगल टीम भी थी,
यूएसए की, यूएनओ की, यूएनओ की आई थिंक बोल रहा था, और हमने ताज होटल को विजिट किया था। और ताज होटल को विजिट करने के बाद हमें ये, हमने जाम तक अजमेर साहब को भी फांसी दी गई थी। ये उन्होंने कहा हम इस नतीजे पर पहुंचे थे कि वो जो 10 फिश थे ना जिन्होंने ये वाकया, जिन्होंने ये वाकया अंजाम दिया था 26/11 वाला, वो पाकिस्तान से बिलोंग करते थे। और वो शर्म की बात है यार, ये भी बता रहे थे कि उस कमरे में लेकर गए जहां पर उनको रखा गया था अजमल कसाब को। और अच्छा बकायदा वो कह रहे हैं कि आईडी जो है ना वॉइस रिकॉर्ड हुई हुई थी कि आप, वो बता रहा था जो उनका कंट्रोलर था पीछे, वो ये बता रहा था कि आप जंगल के पास पहुंच गए, आप इस जगह पहुंच गए। तो ये मतलब आप जन्नत के बहुत करीब पहुंच गए, जंगल नहीं जन्नत, जन्नत हाँ जी, पूरे आपका इंतजार, हाँ जी वो कंटेक्ट में था। उसने कहा ठीक है, वो अजमल ने भी यही कंफेस किया जब उस पकड़ा था ना, वो बेड पर था, पैसों का लालच दिया गया था भाई, और उन्हें कहा था कि जब आप ऐसा करेंगे तो फौरन आप जन्नत की बदतर हूरों के पास पहुंच जाएंगे। और वो और बदतर, और उन बदतर हूरों के जो फिर नबे वाला शक्ल सूरत बयान करते ना हमारे मौलाना, तो भाई कोई भी तो, कोई भी आदमी जो है ना वो मतलब तो हकीकत में है, उसमें कोई नहीं, नहीं मैं वो बात नहीं कर रहा है कि नहीं है, मैं ये बात कर रहा हूँ जो उनका नक्शा खींचते हैं ना हमारे मौलाना, तो कोई भी लट्टू हो सकता है, वो दुनियादारी को मतलब छोड़ सकता है। तो देखे पहली बात यह है, मैं मानता हूँ ठीक है मुस्लिम कहाँ, कोई एक जगह मुझे साबित करवा दो जहाँ ये लिखा हो कि मतलब कि किसी भी ना हक इंसान को कत्ल करना जायज है। मुझे नाजायज है, 100% जायज है, गलत है। जो अजमल कसाब ने क्या किया था, जो इस तरह करे उसको भाई सरेआम फांसी दे के लटकाना चाहिए, मेरी बात सुनिए, ताकि वो दूसरों के लिए इबरत का निशान बने कि इस तरह करोगे भाई तो आपके साथ भी इस तरह होगा, तो फिर आइंदा से उसको देखने वाले लोग भाई सोचते वक्त भी डरेंगे। इंडिया का हमसे यही मसला है, वो कहते हैं कि आप टेररिज्म हमारे मुल्क में भेजना छोड़ दें, टेररिस्ट भेजना छोड़ दें, अदरवाइज उनके इतना कोई होत इशू है नहीं, कोई है कोई इशू इतना कोई भाई और का तो मुझे नहीं पता। और जो ये है ना, तो ये बहुत बड़ा इशू है भाई, जो बिला वजह फजूल उनके जो मतलब के जो उनके शहरी उनको भाई मार। अजमल के साहब पर ना वीडियो थी एक, शुरू शुरू में यकूब ने ये कहा था कि अजमल के साहब पाकिस्तानी है ही नहीं, उस पर फिर आलोक साहब ने वीडियो बनाई थी, उन्होंने फिर पूरे मतलब डिटेल के साथ सबूत दिए थे कि अजमल साहब कहाँ का है। तो ये तो आपके अपने इमरान खान मान चुके हैं, आपके अपने नवाज शरीफ मान चुके हैं कि अजमल कसाब पाकिस्तानी है, खुद यार खुद अजमल कसाब माना है, दूसरे माने या ना माने, खुद उसने ये कन्फेस किया है कि भाई ये मुझे पैसों की खातर और मुझे कई लालच दिए गए कि चले आपकी फैमिली को पूरी सपोर्ट मिलेगी आप अगर ये काम करते हैं, तो उसने तो खुद ये इतराफ किया। जो माइंड है ना उसका ब्रेन वो बिल्कुल वॉश कर दिया जाता है, उसको जो पता ही नहीं चलता कि भाई मैंने किया क्या करना, मतलब वाकई क्रश कर दिया जाता है। जब ये बातें इस तरह की सुनाई जाती है ना, मतलब के जन्नत के बारे में, हूरों के बारे में, और दूसरी अलावा कि आप अगर कुछ हो गया आपको तो आप घर वालों को मुकम्मल जो है ना सपोर्ट की जाएगी, तो भाई इस तरह कोई भी बहकावे में आ सकता है, और ये बिल्कुल गलत है। मैं इसको भाई कंडेम करता हूँ जितना मुझसे हो सकता है, ये गलत उसने किया था। अब अच्छा आसान है भाई, उन 26/11 के हमले में कितने बच्चे, कितनी औरतें, कितने मुसलमान भी होंगे बिला वजह बगैर किसी कसूर के, बगैर किसी दुख के, मतलब उन बच्चों ने या उन औरतों ने या उन बूढ़ों ने क्या किसी को गुनाह किया, जिनको जिनको पता भी नहीं होगा कि हम आज मारे जाएंगे ऐसे सानहे में जो कि मतलब कि पाकिस्तान बॉर्डर के पार से होने वाला है, और जो मारने वाला उसको भी ये नहीं पता था कि मेरे साथ मतलब खेला खिलवाड़ हो रहा है, और जो मरवाने वाला था उनको भी ये नहीं पता था कि हम इस पूरी दुनिया में पाकिस्तान के इमेज गिर जाएगा और पाकिस्तान अलग थलग होकर रह जाएगा। उनको लगता है कि हम मास्टर प्लान है, लेकिन ऐसे मास्टर प्लान सामने भी कोई हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। इसमें कोई साजिद ताड़ साहब ने बड़ी शानदार बातें की, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के जो अपने कश्मीर के लोग हैं उनको देखें क्या सहूलियात हासिल है, या वो खुद वो कह रहे हैं कि उन्होंने कहा कि इंडिया पाकिस्तान के अंदर जब पाकिस्तान अलहदा हुआ था इंडिया से भारत से तो 21% मतलब माइनॉरिटीज थी या हिंदू थे, आज कितने हैं 25 बोला था, लेकिन उन्होंने कहा कि आज 1% रह गए, किधर गए,
वो मेरे ख्याल में इनके सताए हुए निकल गए यार, कोई इंडिया कुछ निकल निकल गई या भी किसी गए, और बहुत कम ममालिक में निकल निकल गए कौन से? होंगे। अभी रिसेंटली बात कर रहे थे सर, ताड़ साहब और शुएब भी, कहाँ से मतलब डिमोलिश हुआ है मंदिर आज ये भी? नहीं हुआ है, मतलब गिलगित बल्तिस्तान है, गिलगित बल्तिस्तान की साइड पे शादरा, शादरा इस तरह का नाम बोल रहे हैं, तो वहां पे हुआ ये। भाई यार ये क्या चल क्या रहा है, क्या पाकिस्तान में अगर यार ऐसे मंदिर डिमोलिश करते रहेंगे तो फिर हिंदू कहाँ रह सकेंगे यार। पहले ही हमारे पास जो है थोड़ी सी मिनोरिटीज रहती थी, लेकिन अब तो मेरे ख्याल में वो भी ना होने के बराबर है। उनको ऐसे जलील किया जाता है कि वो तो खुद बखुद छोड़ने को मजबूर हो जाते भाई हैं। गलत करें ना। अच्छा दूसरी बात है जो है ना, सारे तारे ने ये किया है पाकिस्तान की, कि पाकिस्तान के किसी भी कंट्री से देखने के कोई तलकात अच्छे नहीं है, और पाकिस्तान ने अफगानियों को 7 लाख जो पाकिस्तानी पासपोर्ट है वो बेच दिए हैं, और पाकिस्तानी पासपोर्ट बनाने के लिए जो कागज पेपर काम होता है ना खत्म हो पेपर, गया वो खत्म हो गया। मैं हैरान हूँ, पेपर भी खत्म हो गया भाई। यार। ये तो वो रह गया जो पाकिस्तान के अपने मुल्क से बरूनी मुल्क जा रहे हैं, वो सात आठ लाख तो दस वो लाख तो लाखों उनको में उनकी तो भाई तादाद ही नहीं है ना, वो कोई 1 साल में अगर कोई मतलब के जो वो होते हैं जो रिकॉर्ड में, रिकॉर्ड के बगैर अनलीगल तरीके से कितने जा रहे हैं, 7 8 लाख 10 लाख डंकी लगाकर जा रहे हैं भाई, जो 7 8 लाख या 10 लाख है वो तो जा रहे हैं भाई है, और उसके अलावा जो जो चोरी छिपे जा रहे हैं डंकी लगाकर, उनकी तो भाई कोई तादाद ही नहीं है। और पाकिस्तान भाई जो है ना भाई, पर्सनली मैं भी चाहता हूँ कि मुझे भी मौका मिले, पहले मैं नहीं चाहता था, लेकिन अभी पाकिस्तान के सिस्टम से तंग आकर ये चाहता हूँ कि मतलब कोई अगर बाहर का स्टडी वीजे पे जाना चाहता हूँ, और जो है ना वहां पर जाकर मतलब पाकिस्तान छोड़ना चाहते हो। भाई सीधी सी बात फिर यही है। अच्छा अजमल के साहब ने ये काम किया, ठीक है, अब इस पर इंडिया ने जो रिस्पॉन्स दिया वो उनका बनता था, और उनके मन में जो मारल ये नफरत है वो भी बनती, जायज है। अगर बात ऐसी है ना अजमल के साहब के लिहाज से देखें तो कि भाई हमारे लिए नफरत जायज है, जो भी वो नीचे कमेंट्स करते हैं वो इसलिए सख्त है, चोटें खाई हैं उन्होंने हमारी वजह से, तो मेरे ख्याल में ये बड़ी घिनौनी साजिश है। चले ये तो है, हम पंजाबी में कहावत देते हैं कि पिछौड़े आके व्यार पूरा करना, मतलब जब आदमी नहीं ना पहुंच सकता तो वो क्या करता है, फिर वो साजिश इस तरह की भूंडी है छिड़का देता है, पहले 3 4 मरतबा हाथ में हाथ डाले तो पता चल गया, पता जब पता चला कि इंडिया हमसे पावरफुल है तो ये बुजदलाना हरकतें शुरू कर दी, ये बुजदल काम करते हैं मर्द के, ये मैं कहता हूँ सेवा नहीं है कि छुप छुप करके या प्रोक्सी करना या इस तरह, मर्द कहता है आ जाओ या तुमने या मैंने, बात खत्म, दो दो टोक बात है, और प्रोक्सी जो करते हैं वो मेरे ख्याल में, और ये आई थिंक प्रोक्सी नहीं है टेररिज्म है, जो कि पाकिस्तान की साख को खुद ख़त्म कर रहा है, इंडिया कुछ नहीं होने वाला, इससे इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, यह पाकिस्तान की साख खुद ख़त्म होगी और हो रही है, हो चुकी है, हो चुकी। इंडियन पासपोर्ट देख लें, पाकिस्तान पासपोर्ट देख लें, इंडियन अवाम की तरक्की देख लें, पाकिस्तान अवाम जो दूसरे का गड़ा खोदता वो खुद गिरता, पाकिस्तान खुद गिर चुका, बहुत गिर चुका, अब इसको उठते उठते 100 साल लग रहे हैं। सोचो ऐसे ना करो, अपने हमसायों का ख्याल रखो। मिलता नई वीडियो में, तब तक दीजिए इजाजत।